सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की 20 बड़ी खबरों पर। पीएम मोदी ने आजमगढ़ में अनेक विकास कार्यों का किया उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट अथॉरिटी और एनएचएआई की प्रदर्शनी का किया अवलोकन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा आज आजमगढ़ चमक रहा है। जिस आजमगढ़ की पहचान पिछड़ेपन की थी, वही आज विकास का नया अध्याय लिख रहा है। अब आजमगढ़ बनेगा विकास की गारंटी। पीएम मोदी ने कहा इतनी बड़ी संख्या में विकास कार्यों के उद्घाटन को देखकर लोग दंग रह जाते हैं। पहले की सरकारें चुनाव आने पर फर्जी घोषणाएं कर जनता की आंखों में झोंकती थी धूल। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा पिछली सरकारों ने आजमगढ़ को आपराधिक गतिविधियों का गढ़ बना दिया था, अब हो रहा है विकास। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में हुआ चौतरफा विकास, हवाई सेवाओं के क्षेत्र में हुआ बड़ा काम, अब हवाई चप्पल पहनने वाला कर सकेगा हवाई यात्रा। केंद्रीय रक्षा मंत्री और लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह को लखनऊ लोकसभा चुनाव में पुनः बने भाजपा प्रत्याशी। लखनऊ आगमन पर एयरपोर्ट पर वरिष्ठ नेताओं और जनता ने किया भव्य स्वागत। भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति ने उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की रिक्त हो रही 13 सीटों पर चुनाव के लिए 7 प्रत्याशियों की सूची शनिवार को की जारी। महेंद्र सिंह, विजय बहादुर पाठक को मिला दोबारा टिकट। योगी सरकार प्रदेश की महिलाओं को होली का तोहफा देते हुए त्योहारों पर देगी निःशुल्क गैस सिलेंडर। पीएम उज्ज्वला योजना के तहत 1,75,00,000 लोगों को मिलेगा इसका फायदा। जौनपुर में हुए सड़क हादसे में 6 लोगों की मृत्यु पर मुख्यमंत्री ने जताया दुख, अधिकारियों को राहत कार्य में तेजी लाने के दिए निर्देश। अंबेडकर नगर जिले में बस के खाई में पलटने से बड़ा सड़क हादसा हो गया। हादसे में 26 लोग घायल हो गए थे जबकि एक व्यक्ति की मौत हो गई। हादसे में 3 गंभीर रूप से घायलों को हायर सेंटर रेफर किया गया। केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने जनपद फतेहपुर के जिला क्षय रोग चिकित्सालय में प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत टीबी मरीजों को पोषण किट और हाइजीन किट का वितरण किया। लखनऊ और देहरादून के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने को मंजूरी मिल गई है। ये ट्रेन हरिद्वार, मुरादाबाद और बरेली जंक्शन पर ठहरेगी। केंद्रीय कर्मचारियों को डीए और पेंशनरों की डीआरबीटी पहली जनवरी से 4% बढ़ाने के निर्णय के बाद अब राज्य सरकार के 27.5 लाख कर्मचारी पेंशनरों की भी बढ़ी दर से डीए डीआर पाने की उम्मीद। योगी सरकार के प्रोत्साहन से प्रदेश के विभिन्न जिलों में धरातल पर उतर रहे प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क। 13 सबसे बड़े इंडस्ट्रियल पार्क के तहत प्रदेश में हो रहा 14,634 करोड़ रूपये से अधिक का निवेश। अगले माह होने वाले चैत्र रामनवमी मेले को लेकर श्री राम मंदिर निर्माण समिति ने तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए यात्री सुविधा केंद्र को पूरी तरह से सुसज्जित किया जा रहा है। सरकारी नौकरी की तलाश में जुटे युवाओं के लिए आज टॉप जॉब्स में 2 नौकरियों के बारे में बताएंगे। इंडियन नेवी ने एसएससी ऑफिसर 254 पदों पर भर्ती निकाली है। रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट आज है। दिल्ली से सटे जिला गाजियाबाद में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट स्टेडियम बनेगा। यह दर्शक क्षमता के हिसाब से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा और देश का 4वां स्टेडियम होगा। इसका शिलान्यास आज होगा। बलिया में पोषण पखवाड़े में सीडीओ ओजस्वी राज ने पोषण जागरूकता रैली को विकास भवन से हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। पोषण पखवाड़ा मनाया जाएगा 9 मार्च से 24 मार्च तक। यूपी बोर्ड की परीक्षाएं कल सकुशल समाप्त हो गई। इस बार की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा में कुल 3,24,008 परीक्षार्थी शामिल नहीं हुए। राष्ट्रीय लोकदल की प्रदेश कार्य समिति की बैठक में शनिवार को सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया गया कि पार्टी के नेता और कार्यकर्ता यूपी की सभी सीटों पर एनडीए प्रत्याशियों का समर्थन करेंगे।